हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? हमारे छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज कैसा खाना बनाई ये दिखाने वाली हूँ। और चलिए, मेरे बाबू आ चुका है और आज मैं बना रही हूँ करी। करी के लिए मैं तैयार की हूँ। इसमें क्या क्या डाली हूँ पहले मैं आपको ये बताती हूँ। मैं वीडियो बनाने बुला ही गई थी गाइस, तो देख सकते हैं इसमें मैं क्या क्या डाली हूँ। पहले मैं बेसन ली हूँ, जलान बेसन यूज़ करती हूँ, जलान बेसन ली हूँ। उसमें मैं डाली हूँ जितने मसाले होते हैं ना, सारे मसाले मैं डाली, जितना मैं करी में यूज़ करूँगी वो मसाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ये जो है ना खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाली हूँ, जिससे पकौड़े पूरा मुलायम सॉफ्ट बनते हैं। और इसी में थोड़ा एक चम्मच दही डालती हूँ। दही डाल के पूरा ऐसे ऐसे फेंटना है, पूरा अच्छी तरह से फेंट के इसको रेडी करना है। इसके बाद मैं इधर कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। बिस्कुट क्या किया? वो खाई हुई नहीं खाती, वो झूठा खा गई। इसका मुंह का झूठा मुंह चढ़ता है, खाएगी। इसे निकालूंगी मैं, जीरा डालूंगी, प्याज लाल होने तक। फिर मेरे पकौड़े देख सकते हैं, डाल दी हमें मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मसाला, ये हल्के हल्के सारे मसाले इसमें डाली हूँ। ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा घोल। बेसन में डाल के सब चीज़, बेसन में सारा चीज़ डाल दी मैं, नमक, हल्दी, थोड़ा सा मसाले, थोड़ा सा इसी में लहसुन अदरक पेस्ट वेस्ट सब डाल दी मैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसमें दोनों डाल दी। अब इसे चलाते रहना है, हमें भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल, चलाते रहना चलाते रहना। ये खोल रहा था, इसमें मैंने पकौड़ी डाल दी है, पकौड़ी डाल दी हूँ। अब देख सकते हैं, ये हमें चलाते रहना है करी को, करी को चलाते रहे चलाते चलाते बिल्कुल। हो गया मेरा करी,